वोकैबलरी, क्या वोकैबलरी के वर्ड्स भी जब तुम्हारे सामने आते हैं तुम्हारी नजरें करने लग जाती हैं, देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू। हाय लर्नर्स, माय नेम इज़ समीर एंड वेलकम टू आवर चैनल अन अकेडमी क्लैट। मेरा नाम समीर है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ इस चैनल में। आपके लिए कुछ वीडियोज़ बना भी चुका हूँ पास्ट में। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में। दो, मैं अभी तक आपके लिए 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी बना चुका हूँ। आपको बता चुका हूँ कि 30 दिन अगर कोई 2023 की तैयारी कर रहा है या फिर वोकैबलरी को अगर बिल्ड करना चाहें डिपेंडिंग ऑन द टाइम स्पैन यू आर लेफ्ट विद, 30 डेज़ और 2 मंथ्स, वर्ड पावर मेड इजी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ इट इन दैट वीडियो। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा या तो अभी ऊपर दिख रहा होगा पिन होके। कमिंग बैक टू टॉपिक, जो आज के हमारे टॉपिक है वोकैबलरी 5 रूट वर्ड्स। देखा जाए तो मेरे पास एक डायरी है जिसको मैं वोकैबलरी डायरी कहता हूँ। एंड देखा जाए वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको दिक्कत या फिर प्रॉब्लम देती ही देती है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे सोच रहे होंगे, नहीं यार, टीचर्स की तो वोकैबलरी बहुत स्ट्रांग होती होगी, टॉपर्स की तो इतनी स्ट्रांग होती है। देखा जाए हम सब के ना कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हम लोग अपनी डेली या फिर डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को वर्ड समझ में आते हैं, कुछ लोगों को वर्ड समझ में नहीं आते हैं। देखा जाए पहली चॉइसेस अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें वोकैबलरी की, तो हम हमेशा वो वर्ड सेलेक्ट करते हैं जो हमें बहुत पसंद होते हैं, जो हमें बहुत कैची लगते हैं, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रूट वर्ड्स हैं अगर देखा जाए, जो मैं तुम्हें आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, ये तुम्हें हेल्प ज़रूर करेंगे, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट भी हो सकती है, अगर देखा जाए मेरे पास तो पूरी डायरी भर के है। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके लिए ऐसे वीडियोज़ आता रहूँ कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप तक पहुँचे, आपको मिले, सो दैट जब भी आप पेपर में बैठो या फिर कभी भी, नॉट इन पेपर बट कभी भी अगर आगे जाके कहीं पे भी अगर आपको लगे कि ये सारे वर्ड्स अगर आ जाते हैं, तो देखा जाए सारे के सारे रूट वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स ए टू जेड जो होते हैं, इन्हीं से इंग्लिश के मेजर मेजर वर्ड्स हम लोग डिडक्ट कर ही सकते हैं। जैसे आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप में से कितने बच्चों को ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पता है, एक रूट वर्ड होता है, उसके आगे हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, वो भी एक कंप्लीट वर्ड बन जाता है, उसके बाद एक सफिक्स लगाते हैं, उससे भी एक कंप्लीट वर्ड बन जाता है। हम रूट वर्ड्स की मीनिंग इसलिए जान लेते हैं क्योंकि फिर जो इससे वर्ड्स बनते हैं वो समवॉट रिलेटेड टू इट या फिर उसी फैमिली वर्ड्स को आगे जाके कंटिन्यूएशन में करते हैं। इसके लिए काफ़ी हद तक बहुत सारी किताबें बन भी चुकी हैं, बहुत सारी शीट्स मिल भी जाती है बच्चों को। वर्ड पावर मेड इजी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है जिसमें हमें अलग अलग रूट वर्ड्स के वर्ड सिखाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी या फिर डिफरेंट डिफरेंट थीम ओरिएंटेशन कर करके। अब मैं अगर वोकैबलरी की बात करूँ कि ये जो हम वर्ड्स याद कर रहे हैं या आप कहाँ पे यूसेज कर सकते हो, कैसे से रिटेन कर सकते हो, कोशिश यही रखूँगा कि पूरे के पूरे जो सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ उनके साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको मिल जाए, आपको थोड़ा सा आरसी से रिलेवेंट करके भी दे दूँ। तो इस सीरीज़ को पूरा का पूरा रखना, और अगर आपको चाहते हो कि मैं इस डायरी के सारे वर्ड्स आपको बता दूँ जो जो इसमें हैं, चाहे वो रूट वर्ड्स हों, चाहे वो ईडियम्स हों, चाहे वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हों जो वोकैबलरी के हैं, तो इसको मैं कहता ही हूँ मेरी बुक ऑफ वोकैबलरी। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो में ज़रूर लाइक करना, ज़रूर शेयर करना और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे कि हाँ आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए, मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहूँगा। तो चलो अब बिना टाइम उड़ाए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो इस डायरी को खोलते हैं और पहला वर्ड आपसे शेयर करते हैं। ओके, सो पहला वर्ड जो मेरी डायरी में है दैट इज़ फोबिया। फोबिया का अगर मतलब देखा जाए, आप लोगों को इसे काफ़ी हद तक लोगों को पता भी होगा, किसी चीज़ से डर लगना, खौफ जताना, उससे दूर भागना, एकदम से बॉडी बिल्कुल से ठंडी फील कर लेना, इतना डर लगना, इतना अनसर्टेनिटी, उसको हम लोग कहते हैं फोबिया। अब फोबिया जो रूट वर्ड है इसके कितने कितने वर्ड्स हैं, थोड़े से मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ। जैसे पहला वर्ड जो मेरी लिस्ट में है दैट इज़ डेमोफोबिया। डेमोफोबिया का मतलब ये है, डेमो इज पीपल, सो वन हु फियर्स पब्लिक स्पीकिंग हैव डेमोफोबिया। आई एम वेरी श्योर हमारे बीच में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जब हम उन्हें बोल देते हैं कि जाओ उस अंकल से जाके बात कर रहा हो, जैसे हमारे घर वाले जो हमारे साथ रिलेटिव्स में, या फिर अब तो दिवाली सीजन आ ही रहा है, आपको पता ही होता होगा जब गेस्ट आ जाते हैं हमें से काफ़ी लोग तो उन गेस्ट से बात करने से डरते हैं। अब ये जो डर है ये पब्लिक स्पीकिंग से डर है या कम्युनिकेशन से डर है, देयर कुड बी एनी काइंड ऑफ फोबिया, बट अगर आपको इन सब चीज़ों से डर लगता है, दूसरे नए अनजान लोगों से बात करना, भीड़ में अपने आप को प्रेजेंट करना, देन देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग थ्रू डेमोफोबिया। लेट्स डू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नेक्स्ट नाउ वर्ड दैट इज जू फोबिया। अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करना चाहूँ, जू और फोबिया, आई थिंक आई एम वेरी श्योर आप में से कुछ बच्चों ने तो लॉजिकली इस वर्ड को इंटरप्रेट कर ही लिया होगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। पीपल हु फियर एनिमल्स, जू फोबिया। ऑब्वियसली वी नो दैट जूलॉजी और जू जो एक वर्ड हमारा रूट वर्ड यहाँ से निकला हुआ है, उसके बाद अगर मैं फोबिया बोलूँ, जू फोबिया, एनिमल्स से
डर लगना, जैसे इट कुड बी फियरफुल ऑफ डॉग्स, इट कुड बी फियरफुल ऑफ एनी एनिमल्स, एनी एनिमल्स, यहाँ पे हम किसी एक एनिमल को डिफाइन नहीं करेंगे. अगर आपको डर लगता है देन यस, आपको जूफोबिया है. थर्ड वर्ड इज थियोफोबिया. दिस लाइक यू नो, अगर देखा जाए गॉड और रिलीजन, सो अ पर्सन हु फियर्स रिलीजन एंड लाइक यू नो, उसको हम लोग कहते हैं थियोफोबिया. तो जैसे थियो वर्ड का हम लोग रिलीजन से कहते हैं, एसोसिएट करते हैं इस वर्ड को. तो अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो रिलीजन या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डर जाता है, गॉड की बातों से डरने लग जाता है, तो आपको थियोफोबिया है. कमिंग बैक टू द लास्ट वर्ड जो इस हमारे फोबिया में है, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज काइनोफोबिया. सो मतलब अगर देखा जाए तो देर आर सेवरल वर्ड्स फॉर दिस एज वेल. हम लोग इसके लिए और भी वर्ड यूज़ करते हैं, बट अगर किसी इंसान को लड़कियाँ या औरतें पसंद नहीं है, और वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, वी कैन नॉट लाइक यू नो जेंडर फाइड इट. मतलब अगर देखें वो लड़की है वो लड़का है, अगर उसे गर्ल या वुमेन से डर लगता है या फिर उसे बिल्कुल ही खौफ आता है, फोबिया है उसे बिल्कुल से, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? काइनोफोबिया. सो ये वर्ड थे हमारे पहले रूट वर्ड जो हम लोग जिस भी बात कर रहे हैं, दैट इज फोबिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर टू. नंबर टू रूट वर्ड जो मेरी डायरी में है, दैट इज माल. आई डोंट नो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस रूट वर्ड और नॉट, बट ये वर्ड काफ़ी नेगेटिव है. तो कोई भी वर्ड ये बैड या फिर एविल को डिफाइन करता है, हम उसे माल कहते हैं. अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा लैटिन वर्ड है, तभी इसकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग मैल पढ़ते हैं. तो अभी इसके जो वर्ड्स हैं, चलो आ जाओ उसको डिस्कस करते हैं. पहला वर्ड इज मैलिंगमेंट. अब ये मैलिंगमेंट को अगर मैं वर्ड करूँ, मैलिंगमेंट, तो जी इसमें साइलेंट होता है. तो अगर मैं बात करूँ, हम लोग किसी को भी बहुत ज़्यादा बुराई जब उसकी कर लेते हैं, डिफेम समथिंग बैडली, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत ही बायस्ड हो जाते हैं, जैसे हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज या किसी चीज़ की बात करें, तो एक्स वाले लेफ्ट वाले जो होते हैं राइट वाले को बिल्कुल से क्या कर रहे होते हैं? मैलिगमेंट कर रहे होते हैं, मिट्टी पलेट कर रहे होते हैं, अगर मैं एक हिंदी वर्ड आपको इसके लिए बताना चाहूँ तो. तो अगर आपको कोई चीज़ पर्सनली जैसे नहीं पसंद, जैसे आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स जो आपके साथ किसी एक इंसान को हेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप भी उस इंसान को हेट ही करने लग जाते हो. और वाइस वर्सा अगर करें, आप किसी इंसान को हेट करते हो, मैलिगमेंट करते हो, तो आपके बेस्ट फ्रेंड भी उस इंसान को मैलिगमेंट करते ही करते हैं. दैट इज वॉट लाइक यू नो दिस वर्ड मीन्स. इट्स डिफेमिंग समवन रियली बैडली. सेकेंड वर्ड इज मैलिस. हैविंग ईविल इंटेंशंस. होता है ना, हर इंसान आपकी जिंदगी में एक अच्छे इंटेंशन थॉट लेके नहीं आता. ये वर्ड उसी को बताता है कि जो वर्ड आपको, जो इंसान आपकी जिंदगी में आया है, वो एक अच्छा इंसान है या नहीं, उसके इंटेंशंस आपकी लाइफ में है या नहीं. तो अगर कभी भी कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया जिसके अच्छे इंटेंशंस तुम्हारे लिए नहीं थे, हम उसे क्या कहेंगे? मैलिस. द वर्ड मैलिस विल ऑलवेज बी यूज फॉर अ पर्सन हु हैज बैड इंटेंशंस इन योर लाइफ. वी कैन से आर एनिमीज, आर हेटर्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. थर्ड वर्ड इज मैल ट्रीट. मैल ट्रीट, ऑब्वियसली एक ट्रीट वर्ड आ रहा है जिसके मतलब आपको पता ही होगा. माल वर्ड हमारा रूट वर्ड है यहाँ पे. तो माल ट्रीट का मतलब क्या है? किसी को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करना. आप लोग देखते होंगे कभी कभार किसी मॉल के बाहर अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला या फिर रिक्शे वाले जब खड़े होते हैं, तो उनसे सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी बदतमीजी से करते हैं, या तो वाइस वर्सा कुछ लोग जो बहुत ही एटीट्यूड में होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स या फिर वेटर से बहुत मैलिक लाइक यू नो इस मैल ट्रीटमेंट के साथ बात करते हैं या फिर मैल ट्रीट उन्हें करते हैं. तो ये वर्ड हमारे एक रियल लाइफ पिक्चर रील अगर मैं उसके हिसाब से बताऊँ, तो दिस वर्ड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. उसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक वर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ तो होता है, टेक्नोलॉजी बहुत माल फंक्शन कर जाती है मेरी गैजेट्स, क्योंकि मैं उनको बहुत ही रफली यूज़ करता हूँ, तो मेरी चीज़ें काफ़ी ख़राब होती हैं. आई डोंट नो तुम भी ऐसे क्लमजी से हो या नहीं जो मेरी तरह है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारी चीज़ें ख़राब होती है या नहीं होती हैं. तो यस, दिस वर्ड इज़ माल फंक्शन, किसी भी चीज़ का ख़राब कर जाना. आप लोग यूजुअली माल फंक्शन तब करते हो जब आपका बिल्कुल से प्रेशर का जो स्केल होता है टॉप पे पहुंच जाता है, या फिर हम बोला जाए आपने सोया नहीं होता और आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हो, आपकी बॉडी माल फंक्शन करने लग जाती है. आपने खाना नहीं खाया हुआ है, आप माल फंक्शन करने लग जाओगे क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं बची है. तो ये वर्ड अगर देखा जाए खाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, आपकी बॉडी से रिलेटेड भी है. कोई भी चीज़ जो काम करना बंद कर देती है उसे हम लोग माल फंक्शन कहते हैं. उसके बाद एक वर्ड हमारे बीच में आता है, दैट इज डिसमल. अ ग्लूमी सिचुएशन. मतलब काफ़ी सैड सैड सी सिचुएशन. कभी कभार आप लोग जब डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर लाइफ में फेस कर लेते हो, तो आप एक बहुत ही डिसमल सिचुएशन में अपने आप को लैंड कर देते हो. दैट इज़ वॉट दिस वर्ड मीन्स. एक बहुत ही ग्लूमी सी कंडीशन में होना जहाँ पे कोई चीज़ अच्छी ना लगना, परेशान हो जाना, कुछ कुछ भी करने का मन ना करना, खाना खाने का मन ना करना. कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो उसको क्या कहना है बच्चे? डिसमल. अब हमारा लास्ट वर्ड जो इस वर्ड का है, जो इस एविल नेगेटिव वर्ड का जो एंड करता है, दैट इज़ मैलफिशिएंट. Malficient, malficient, अगर इसकी स्पेलिंग से याद करना हो तुम्हें तो. Someone who deliberately try causing harm to someone. कुछ लोग होते हैं ना जिनको बड़ा सुख मिलता है किसी को हर्ट करके,
किसी को तंग करके, किसी को परेशान करके, नॉट इन अ हेल्दी वे. दुश्मनी चाहते हैं, रिवेंज चाहते हैं. तो एनी वन हु इज टेकिंग रिवेंज और सीकिंग रिवेंज फ्रॉम समवन, एंड वो किसी भी हद तक चले जाते हैं पागलपने की, उसको हम लोग कहते हैं मैलफिशेंट. सो दिस वॉज माई सेकेंड रूट वर्ड. चलो आओ थर्ड को जानते हैं. तीसरा रूट वर्ड है फिन. ये भी अगर देखा जाए तो एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग है टू एंड समथिंग, लिमिट एंड बाउंड्री. मतलब किसी भी चीज़ को अगर देखा जाए ख़त्म कर देना, बाउंड्री और लिमिट को भी, या फिर बोला जाए बाउंड्री और लिमिट सेट कर देना. तो चलो आओ इस वर्ड्स को जानते हैं जो कि इस रूट वर्ड यानी फिन रूट वर्ड से बन रहे हैं. पहला वर्ड इन्फिनिटी. अगर आप एवेंजर्स के फैन हैं तो ये इन्फिनिटी स्टोन्स और ये सब चीज़ें तो बहुत ही याद होंगी. और अगर देखा जाए इन्फिनिटी, हमारी होप्स, हमारी ड्रीम्स, हमारे डिज़ायर्स बहुत ही इन्फिनिटी स्केल से चलते भी हैं और इन्फिनिटी तक जाते भी हैं. तो आई थिंक दिस इज़ अ वर्ड जिसकी कोई लिमिट नहीं होती आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स एंड सक्सेस की. तो येस, इन्फिनिटी इज़ अ फर्स्ट वर्ड जो कि आपके फिन वर्ड से बना होता है, जिसमें आप बाउंड्री सेट करते हो. मगर यहाँ पे इन्फिनिटी जो वर्ड हो जाता है कि कोई भी बाउंड्री ना सेट करना, क्योंकि एक प्रीफिक्स नेगेटिव वर्ड लग जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इन्फिनिटी. सेकेंड वर्ड इज इनफाइनाइट सिमल, इन्फिनिटी स्मल. अगर इस वर्ड को अगर हम बोले, ब्रेक करें, इट्स इन्फिनाइट सिमल. तो अगर इस वर्ड को देखा जाए इमेजरेबली स्मॉल, इसके लिए शायद हमें माइक्रोस्कोप लेके आना पड़ेगा. कुछ लोगों का ईगो इतना छोटा होता है कि हम उसे कह सकते हैं इन्फिनिटी स्मॉल, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा भी मान जाते हैं. थर्ड वर्ड इज कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट, कंक्लूडिंग स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी. अगर कभी भी आप जैसे देखो कि अगर फ्यूचर में कभी भी अगर आप फंस जाते हो, कोई पैसेज आ जाता है गायनी से रिलेटेड या फिर वुमेन से रिलेटेड, तो गायने वर्ड का जब भी एक एसोसिएशन होगा तो हम लोग कभी भी अगर करेक्टर या फिर फिक्शनल कभी भी कोई भी ये न्यूज़ आए तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कन्फाइनमेंट का, कि येस द प्रेगनेंसी इज देयर, द फीमेल हैज़ बीन लाइक नो डायग्नोस विद प्रेगनेंसी. इसके बाद वाला जो वर्ड है डेफिनेटिव. डेफिनेट का अगर मैं बात करूँ तो इट्स प्रिसाइज. मतलब तुम पते हो, तुम बहुत डेफिनेट हो दैट यस यू आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. तुम बहुत डेफिनेट हो कि इस वीडियो में तुम बहुत ध्यान से सुन रहे हो अब तक और इन वर्ड्स को तुम डेफिनेटली याद करोगे ही करोगे. डेफिनेट, डेफिनेटली. तो इफ़ यू आर डेफिनेट तो अब तक अगर लाइक नहीं ठोका है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना. थैंक यू. तो ये थे मेरे वर्ड्स रूट नंबर 3 जो हम फिन की बात कर रहे थे. नाउ लेट्स गो टू द रूट नंबर 4. कौन सा वर्ड होगा चलो देखते हैं. रूट नंबर 4 है फिल. फिल एक ग्रीक वर्ड है. अभी तक हम लोग लैटिन वर्ड्स को पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ा सा ग्रीक वर्ड, थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं, ग्रीक वर्ड को लेके आए हैं जिसका मतलब होता है टू लव. ग्रीक वर्ड है फिल और टू लव. आओ इसके देखते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से रूट वर्ड्स, मतलब रूट वर्ड इस रूट वर्ड से वर्ड्स बने हैं. पहला है बिब्लियोफाइल. आई एम वेरी श्योर हमारे बीच में कुछ बच्चे बहुत होंगे जो बुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे. कलेक्ट करना नहीं, रीड करने की बात हो रही है. तो अगर तुम कलेक्ट कर तो चलो ठीक है, तुम्हें भी किताबों से प्यार है, एक अलग तरीके का प्यार है जो कलेक्ट करने का मन करता है. मगर हाँ, जो बच्चे इस वर्ड से रिलेट कर सकते हैं और अगर तुम्हारे दिमाग में, मतलब दिल में बड़ी खुशियाँ आई हैं, तो येस आई एम ऑल्सो अ बिब्लियोफाइल. मुझे भी बुक्स का बहुत शौक है, मैं भी रीड करता रहता हूँ. तो अगर तुम बिब्लियोफाइल हो और कोई किताब को रीड कर रहे हो और किताबों से प्यार करते हो तो ज़रूर मुझे बताना कि अभी तुम्हारी करेंट रीड कौन सी चल रही है. सेकेंड वर्ड इज फिलोलॉजिस्ट. फिलोलॉजिस्ट एक वो वर्ड होता है, मतलब वर्ड लवर हु इज स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज. जैसे कह सकते हैं कि हमारे बीच में किसी ने PhD कर रखी होगी इंग्लिश लैंग्वेज में और उसको सारे के सारे वर्ड्स पता होगा, हम लोग उसे क्या कहते हैं फिलोलॉजिस्ट, जिसको वर्ड से प्यार होता है. थर्ड इज फिलेंट्रोपिस्ट. आपने पता ही होगा फिलेंट्रोपिस्ट एक बहुत ही कॉमन वर्ड होता है और यूज़ भी किया जाता है. इज़ अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड. मतलब अगर देखा जाए फिलेंट्रोपिस्ट की अगर हम लोग कभी भी बात करें तो दे आर दोज पीपल जो सोसाइटी के लिए, मैनकाइंड के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. उनको एक मिनट नहीं लगता अपने बैंक अकाउंट को ज़ीरो करने में अगर किसी की जान बच जाती है, किसी की पढ़ाई हो जाती है, किसी की आप हेल्प किसी भी वे में कर सकते हो. अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर एक फिलेंट्रोपिस्ट है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारे जैसे इस दुनिया में बहुत ही कम बचे हैं, बहुत ही रेयर बचे हैं, एंड तुम्हारे जैसों की इस दुनिया को आज सख्त ज़रूरत है. लेट्स कम टू द लास्ट वर्ड, या फिर सेकेंड लास्ट वर्ड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया. यहाँ पे एक और वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं फिलोसोफर. ये तुम लोग हो जब पढ़ाई करने बैठते हो और बीच में ना बिल्कुल से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तुम ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हो और सोचने लग जाते हो कि हाँ लाइफ में अगर ये नहीं होता तो ये होना चाहिए था, चीज़ें ऐसे नहीं तो ऐसे होनी चाहिए थी, मेरी लाइफ ऐसी हो जाती अगर मैं ये कर लेता. तुम कुछ नहीं हो, एक फ़िलासफ़र हो. क्योंकि बच्चे फिलोसफी मतलब बुरा नहीं है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बट फिलोसफी ना बहुत ही मतलब
फैक्ट्स के क्लोजेस्ट भी कह सकते हैं, फैक्ट्स के फॉल्स भी कह सकते हैं। जैसे मैंने अपनी क्रिटिकल रीजनिंग में एक बार बच्चों को यही बताया था, देर इज़ अ वेरी डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फैक्ट। अ फैक्ट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, ये तो आर्ग्यूमेंट से बाद में पता किया जा सकता है कि वो ट्रू है या फॉल्ट है, वो तो हमें थोड़ा सा जानना पड़ता है। बट फिलोसोफर्स क्या होते हैं ना, जैसे वो किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी रिलेशन कर देते हैं। जैसे मैं एक चीज़ मतलब कहीं पे एक कोट रीड कर रहा था जो बता रहे थे कि आपको बनना चाहिए तो पेड़ की तरह बनना चाहिए, क्योंकि दूसरों को मतलब वो खुद तो धूप में बिल्कुल से टप रहा होता है मगर दूसरों को छांव देता है। तो मैं फिर वहाँ पे ये सोच रहा था कि उसके लिए भी तो धूप ज़रूरत है, मतलब वो ऐसे नहीं है कि धूप में जल रहा है मतलब दूसरों को छांव देने के लिए। जस्ट इस नॉर्मल फिलोसफी देखा जाए, फोटोसिंथेसिस है उसको भी धूप ज़रूरत है, नहीं तो वो बढ़ेगा नहीं। सो दैट्स एस काइंड ऑफ अ फिलोसफी आई एम सेइंग, बट देयर आर रियली ग्रेट थ्योरीज एज वेल जो लाइफ में हमें हेल्प करती हैं। तो यस, इट इज़ ओनली ऑन योर साइड कि फिलोसफी आप कौन सी फिलोसफी पे मतलब सपोर्ट करते हो और कौन सी फिलोसफी करते हो जो मैनकाइंड की हेल्प करती है या फिर मैनकाइंड को कन्फ्यूज। लास्ट वर्ड दैट इज फिलोडेंड्रॉन। फिलोडेंड्रॉन होता क्या है? अ ट्री दैट कर्ल्स अप वाइल ग्रोइंग एंड आर रेयर लाइक यू नो कॉल्ड लव ट्रीज। ओके, जिनके हम लोग दिल जैसे लीव्स देखते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं फिलोडेंड्रॉन, अ ट्री दैट कर्ल्स अप वाइल ग्रोइंग। अगर मैंने वैसे ये पेड़ को कभी रियल में देखा नहीं है, अगर तुमने कभी भी रियल में देखा हो मुझे ज़रूर इसकी फोटो भेजना, क्योंकि मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। गूगल वूगल में भी तो वैसे हम लोग देख ही लेंगे, गूगल से ही करके दे देना। अगर तुम्हारे आसपास कहीं पे भी ये पेड़ मिले मुझे ज़रूर दिखाना। ओके, सो दिस वॉज द रूट नंबर 4। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट रूट वर्ड। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं कि तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो नहीं देख रहे हो, तो लाइक ज़रूर दबा देना, कमेंट कर देना सर फिफ्थ तक हम रहे थे, फिफ्थ रूट वर्ड तक हमने इस वीडियो को देखा ज़रूर था। तो चलो बिना टाइम उड़ाए अब फिफ्थ वर्ड पे चलते हैं जो कि लास्ट रूट वर्ड होगा इस वीडियो का। फिफ्थ रूट वर्ड, ये वर्ड ग्रीक ही है और द वर्ड इज लॉजी। आई थिंक काफ़ी लोगों को कुछ वर्ड्स तो ये बहुत ही कॉमन रूट वर्ड है, तो बहुत हद तक तुम्हें वर्ड्स अब तक दिमाग में आ भी रहे होंगे कि शायद सर ने ये वाले वर्ड्स तो इस वाले सेक्शन में दे ही दिए होंगे। आई एम वेरी श्योर एक्स वाई सेट। सो लेट्स सी कि तुम कितने वर्ड्स को गेस कर पाते हो जो ऑलरेडी मेरी इस डायरी ऑफ वोकैबुलरी में है। पहला वर्ड है एनालॉजी, द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स। अगर मैं बात करूँ एनालॉजी, हमारे सिलेबस में भी होता है। अगर तुम सिम्बायोसिस के एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग को रिलेशन फॉर्म करना होता है, तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट डोंट वरी बच्चे, एनालॉजी वाले वर्ड से तो तुम समझ ही गए हो कि होता है क्या है, हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, रिलेशन फॉर्म करते हैं दो वर्ड्स के बीच का, फिर एक विद रिस्पेक्ट टू और हम लोग उसके एक मैचिंग वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं। सो यस, अगर किसी को डर लगता है बिकॉज ऑफ बैड वोकैबुलरी, एनालॉजी में इसीलिए रिलेशन तो आप लोग फॉर्म कर लेते हो बट कभी कभी उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता आता एंड वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कोई बात नहीं, इस सीरीज को आगे तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आएंगे। अभी आपको कुछ लोगों को ईजी लग रहा होगा बट आई एम फेमस फॉर दिस। अगर आपने कभी मेरी क्लासेस अटेंड कर रखी होंगी, मैं धीरे 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 करके लेवल अप करता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये वर्ड जो तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सडनली तुम्हें रुलाने ना लग जाए। डरा नहीं रहा हूँ बट बच्चे पढ़ाई तो ऐसी है ना, अनएक्सपेक्टेड ही एक्सपेक्टेड करना चाहिए, नहीं तो दिल जो होते हैं ना बहुत गलत तरीके से टूट जाते हैं, रिजल्ट से भी और प्रिपरेशन जर्नी से भी। तो इन इस चैनल को बिल्कुल से फॉलो कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा सो दैट वोकैबुलरी इज रियली लाइक यू नो बटर जैसे होता नहीं हम लोग ब्रेड पे लगाते हैं, बिल्कुल वैसे तुम याद कर सको। तो चलो अगले वर्ड पे चलते हैं, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। आई डोंट नो लाइक यू नो कितने लोगों को एंथ्रो वर्ड का मीनिंग पता होगा नहीं पता होगा, पता है फिर भी मैं बता देता हूँ, मैनकाइंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वो हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रो, एंथ्रोप कह दो यहाँ पे, वैसे एंथ्रो वर्ड से वो फेमस है। तो एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन, और जो इंसानों से प्यार करता है या फिर इंसानों की स्टडी करता है उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। थर्ड वर्ड इज थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, रिलीजन, सो द थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन। अगर देखा जाए दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, आई थिंक हम लोग ज़्यादातर रिलीजन्स के बारे में जानते भी नहीं हैं बिकॉज ऑब्वियसली हम लोगों को इतनी नॉलेज मिलती भी नहीं और हम लोग को खुद भी मन नहीं करता इस चीज़ के बारे में जानने का क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हें पता है मोर देन 5 रिलीजन्स तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हम भी देखते हैं कि हमारे इस कॉमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा रिलीजन के नाम किस किस को पता है। लेट्स सी, तुम थियोलॉजिस्ट अच्छे बन सकते हो अगर तुम्हें इससे 5 से ज़्यादा पता है। तो लास्ट वर्ड है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ एक्चुअली मीन स्ट्रक्चर होता है बच्चे, तो जिसको स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स करने होते हैं, जैसे अगर हम लोग देखें आर्किटेक्चर्स में भी हम लोग काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स देखते हैं, काफ़ी अलाइंड चीज़ें समझते हैं, तो जिन वर्ड्स को जिनको एक्चुअली मैं स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ने का शौक होता है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी पढ़ सकते हैं, ये आर्किटेक्चर भी पढ़ सकते हैं, ये ऑटोकैड डिज़ाइनर्स भी पढ़ सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं,
मॉर्फोलॉजी। तो अब ना थोड़ा सैड चीज़ होगी, मुझे इस डायरी को बंद करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आज का जो हमारा टास्क था दैट वॉज फॉर 5 वर्ड्स, एंड आई थिंक हमने 5 वर्ड्स आज रूट वर्ड्स कर लिए। अगर आप चाहते हो कि हम और वर्ड्स करें तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन बताना, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक ज़रूर कर देना। एंड आई एम होपफुल अगर तुम नहीं भी करोगे तब भी मैं तुम्हारे लिए और वर्ड्स लेके आता रहूँगा। मेरा टारगेट यही है कि तुम्हें एटलीस्ट ए टू जेड तक हम लोग सारे के सारे रूट वर्ड्स इंपॉर्टेंट पढ़ा लें, ठीक है? उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स और वो भी अभी फ्यूचर में मैं तुम्हें वीडियोस तुम्हारे लिए बनाने वाला हूँ। स्ट्रैटेजिकली भी रहेगा, एकेडमिकली भी रहेगा, और मैं तुम्हारे लिए एक सीरीज़ भी चलाने वाला हूँ जो कि 26 से स्टार्ट हो जाएगी इसी चैनल पे, जिसमें मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। वो PYQ भी हो सकते हैं, वो मेरे जैसे क्रिएटेड भी हो सकते हैं। इट वुड बी फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग, इट वुड बी फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट वुड बी फ्रॉम ग्रामर, बट मेजरली मैं क्रिटिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि अगर देखा जाए आईलेट को भी और क्लैट को भी, हमें ये पता है कि इन दोनों पेपर पैटर्न, जो लास्ट टाइम भी हाईलाइट का पेपर पैटर्न आया था उसमें हम लोगों ने क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत नंबर इंक्रीज होते हुए देखे थे। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि इस सीरीज में तुम्हें पूरा का पूरा क्रिटिकल रीजनिंग और RC कैसे रीड करना है, थोड़ा सा टिप्स दूंगा उस क्लास में। 30-30 मिनट्स के हम लोग ये छोटी छोटी क्लासेस किया करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया करेंगे सॉल्व, डिस्कस एवरीथिंग, एंड आई एम रियली श्योर ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो जरूर फॉलो कर लो और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।